आज उत्तराखंड चमोली जोशीमठ में भंगाजी असुरक्षित होटेल होटेल भांगा को बुलडोजर पहुंचा बेले रुर्की टीम पक्ष संपूर्ण प्रस्तुत होवल होटेल नुह भंगा तालिकार शहे अधिक विपदसंकु घर रही भंगा पूर्व लोकों सुरक्षा नहीं डाकबाजी जंत्र दूरता रखापी कहता बेले 600 अधिक घर प्राय 4000 लोकों सुरक्षित स्थानातर कर सेभली गतकाली जोशीमठ में केन्द्र जलशक्ति मंत्रालय एक टीम समेत दुईट केन्द्रीय टीम पहुंची स्थितर अनुधान कर जोशीमठ स्थित अनुधान कर रिपोर्ट दाखल पर केन्द्र सरकार सातटी पृथक अनुष्ठान विशेषज्ञ को नहीं एक टीम गठन कर प्रभावित लोकों स्वास्थ्य परीक्षा करा सहित चिकित्सा सुविधा जोगाई दि जाए मागणारे राशन सहित परिवार पिछा 5000 टंका दि जा भड़ा नहीं रोकता लोकों मासिक 4000 टंका लेखाएं 6 मास पर्यंत दि प्रभावित लोकों पर 16 रिलीफ सेंटर प्रतिष्ठा कर 19 होटल गेस्ट हाउस स्कूल व्यवस्था होती सेना और आईटीबीपी प्रतिष्ठान निम्न अंश में फाट देखा मिली केते घर प्रभावित होने एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन द्वारा सर्वे कर जोशीमठ 30% अंचल प्रभावित होता कहु ये दो होटल हैं जिसमें आज होटल मलारी इनको आज स्टेप वाइज डिमोलिश किया जाएगा। सबसे पहले ऊपर के पोर्शन को डिमोलिश करेंगे। इसके डिमोलिश करने का कारण यह है कि ये टिल्ट हो गए हैं। ये दोनों होटल एक दूसरे से बहुत करीब आ गए हैं सिंकिंग के कारण से। ये पूरा एरिया जो सिंक कर रहा है उसके कारण से ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं और टिल्ट कर गए हैं एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं, तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए। सर मुझे तो ये बहुत तकलीफ है शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कम जनहित में अगर ये होटल तोड़ा जा रहा है कोई बात नहीं, मैं शासन प्रशासन के साथ हूँ, जनहित में तोड़ा जाना चाहिए। जबकि मेरे होटल में तो आंशिक दरारें हैं, बिल्कुल होटल बिल्कुल सॉलिड है, लेकिन जहाँ जनता की बात है तो उसके लिए तोड़ लीजिए। कम से कम मुझे नोटिस दे दिया जाना चाहिए, मेरे आर्थिक मूल्यांकन कर दिया जाना चाहिए। और मुझे यहाँ काय को रोक रहे हैं, मेरे परिवार को यहाँ मारने के लिए रोका जा रहा है कि हमको छोड़ दीजिए, हम चले जाते हैं अपना। जी ये तो हमारे लिए काफ़ी परेशान और दुखद घड़ी है कि हमारे सामने हमारा जो है होटल ध्वस्त हो रहा है। इससे मतलब बड़ी वेदना हमारे अंदर है आज कि इसके लिए जो है हम लोग पिछले 23 ईयर से यहाँ पे ये होटल है, आज तक जो है इसमें ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ। पिछले 2-3 सालों में जो है इसमें जो है ब्लास्टिंग्स की वजह से जो है पूरी ज़मीन जो है नीचे धस गई है और फट गया है, होटल पूरा नीचे से फट गया है और ढहने वाला है।